नमस्कार दोस्तों, जय भोले। हमारे साथ हमारे गंजू दोस्त, अब सच में ही गंजू हो गए, पहले खाली नाम था इनका। लोग माफी चाहते हैं काफी समय बाद, अब हम निकल रहे हैं फरुखाबाद गंगा जी पे। गंगा जी से जल भरेंगे और फिर जाएंगे गोला गोकर्ण नाथ, वहाँ पे जल चढ़ाएंगे भोलेनाथ जी को। और इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि आपका तुम्हारा भाई थोड़ी छोटी मोटी नौकरी करने लग गया है, तो बाहर रहता है। अभी भी बड़ा 2 दिन की छुट्टी मिली है तो भाग के आए हैं। अभी हम दो जा रहे हैं, आगे हमारे 2 मित्र और मिलेंगे, उनको भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। और यहाँ से फरुखाबाद भाई कितना है? 80। रहुजे ऐसे जो हमारा शाहजहाँपुर है वहाँ से 80 किलोमीटर फरुखाबाद है। और फिर फरुखाबाद से गोला, फरुखाबाद से गोला 160 किलोमीटर वो है। अभी 60 वापसी है, फिर 60 वापसी है। मतलब आज हमारा 300 किलोमीटर का टूर होने वाला है, तगड़ा बढ़िया था। तो चलते हैं, देखते हैं भाई साहब नज़ारे। आप भी हमारे साथ बने रहो, जय बोले भाई। पप्पू भाई एंड पोंगा जी दोनों जा रहे हैं कांगो, देख रहे हो। कौन सा है ये मंदिर? मंदिर श्री कालेश्वर नाथ जी महादेव। ये हमें मिल गया था फरुखाबाद 9 किलोमीटर पहले, बहुत ही सही। Get
डुबकी मार लेना। अब डुबकी मार लो। खड़ी थी मैं तने किस दरिया बताओ, बहुत घड़ा है प्यार तेरे ते बार बार। दोस्तों हम लोगों ने स्नान कर लिया है गंगा में, राम गंगा में। ये पीछे हमारे गंगा मैया, ये हमारे दोस्त कर रहे हैं अभी जल भर रहे हैं, और हमारी कावड़ तैयार हो रही है, अभी लेके निकलेंगे हम लोग। चलते हैं, अभी टाइम लगेगा गोला जाने में। यहाँ से कम होगा 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर हमें और आगे जाना है। देखते हैं, और मौसम हो रहा है हसीन, बारिश मतलब हवा चल रही भयंकर, जल स्तर भी बढ़ता जा रहा है गंगा मैया का, तो इसलिए जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैं बोले कि मिलते हैं आगे, चलो। तो आखिरकार कावड़ उठा के चल पड़े हम लोग। ये बाइक हमारा भाई चला रहा है और हम बैठे हैं, एक हमारे दोस्त पीछे आ रहे हैं, और ये भाई हमें छाया में रोकना चाह रहे थे और घनी धूप में रोकेंगे, टैलेंटेड है। देख लो गाड़ी कहाँ, उन्हें आने देते हैं, देख रहे हैं। अरे निकल गया यार। पहुंच गए हम लोग। तो दोस्तों हम लोग 3 बजे पहुंच चुके हैं गोला गोकर्णनाथ मंदिर। अब चलते हैं जल चढ़ाने। गंजू भाई ने पूरे रास्ते बाइक चलाई है भाई साहब, फरुखाबाद तक भी और यहाँ तक भी। अब जो आगे का सफर होगा वो बाइक मैं ड्राइव करूंगा। चलते हैं जल चढ़ा के फिर मिलते हैं, चलो।
आखिरकार हमने भोले बाबा के दर्शन कर लिया। और गोला में जितने अच्छे दर्शन इस बार हुए हमें, उतने आज तक कभी हुए नहीं थे। मतलब एक दो बार ही हुए खाली, हर साल आते हैं। बड़े मस्त दर्शन हुए हैं, खाली पड़ा था एकदम साफ साफ, भोलेनाथ शिवलिंग भी दिख रही थी। तो आप लोगों को भी दिखाते हैं, जरूर देखिए और प्लीज बने रहिए साथ में। और जय भोले की, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन किसी और ब्लॉग में। बाय।